छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो व्याकरण देखने वाले हैं उसका नाम है क्रिया। तो क्रिया वाक्य में कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो देखिए। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अगर क्रिया न हो तो वो वाक्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए क्रिया का महत्व वाक्य में सबसे ज्यादा है। देखिए क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण है, उनके द्वारा हम क्रिया किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला उदाहरण है, बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है। और दूसरा उदाहरण है, नेहा हंस रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले उदाहरण में बच्चा दूध पी रहा है, अगर हमने यहाँ पर बच्चा दूध नहीं बोला और आगे कुछ नहीं तो कुछ वाक्य समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, वाक्य पी रहा है इससे पूरा होता है। बच्चा पी रहा है तो क्या पी रहा है, वाक्य पूरा होता है पर प्रश्न बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा दूध पी रहा है, दूध यह क्या है, उसका कर्म, कुछ तो कर रहा है, यह क्या है, कर्ता। यहाँ पर बच्चा क्या है, कर्ता, दूध कर्ता है, यह दूध कर्म है और यहाँ पर पी रहा है यह उस वाक्य की क्रिया है। तो देखो बच्चों, ये जो पी रहा है इससे वाक्य पूरा होता है, यह महत्वपूर्ण है। दूसरे वाक्य में देखिए, नेहा हंस रही है, यहाँ पर कर्ता है और हंस रही है यह क्रिया है। सिर्फ इतना ही बोला कि नेहा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हंस रही है इससे वाक्य पूरा होता है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, तो पी रहा है और यहाँ पर हंस रही है, दो क्रिया यहाँ पर हमें मिल रही है, एक तो पीना और यहाँ पर हंसना। यहाँ पर पीना है क्रिया और यहाँ पर हंसना, यह क्रिया हमें मिल रही है। तो देखिए, यह काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, और ये पी रहा है और हंस रही है, इसमें पीना यह क्रिया है और हंसना यह क्रिया इसमें है। तो इससे दो क्रिया के भेद हमें पता चलते हैं। वाक्य में देखिए, यहाँ पर तो कर्म है, दूध यह कर्म है, क्या पीने का काम हो रहा है, तो दूध पीने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म दिख रहा है, पर इस वाक्य में तो कर्म नहीं है और वाक्य भी पूरा है, इसलिए देखिए यह शब्द, यह जो वाक्य है वो सकर्मक का उदाहरण होता है और यह जो वाक्य है वो अकर्मक का उदाहरण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो जिस वाक्य में कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो उस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म न हो उस वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के दो भेद के बारे में हमें जानकारी लेनी है, वो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखो इसमें क्रिया के पहले भेद के बारे में देखते हैं। पहला भेद है सकर्मक क्रिया। इसमें देखिए, जिन वाक्यों में कर्म हो, जिन वाक्यों में कर्म हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमें कर्म क्या है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला उदाहरण है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, क्रिया यहाँ पर है पढ़ रहा है। पर वो क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन, तो विवेक, विवेक यह करता है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक। यहाँ पर पुस्तक हमें कर्म उसका मिल गया, पुस्तक यह क्या है, कर्म मिल गया, मतलब यह कर्म के साथ है, पढ़ रहा है, इसका प्रभाव ज्यादा किस पर है, पुस्तक के ऊपर, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक, पुस्तक यह कर्म है और यह जो क्रिया है वो है सकर्मक क्रिया, इसलिए यह सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है और कर्म होने के कारण यह क्रिया है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, बंदर आम तोड़ रहा है। देखो यहाँ पर क्रिया जो है वो तोड़ने की है, तोड़ रहा है, और यहाँ पर जो कर्म है वो है आम,
क्या है? आम। तो क्या तोड़ रहा है? आम तोड़ रहा है। यहाँ पर भी हमें कर्म मिलता है आम, तो यह भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए तीसरा उदाहरण है, सुबोध ने पवन को पढ़ाया। सुबोध ने किसे पढ़ाया? यहाँ पर पढ़ाना, पढ़ाया, यह क्या है? क्रिया है। और यहाँ पर हमें जो कर्म मिलता है वो क्या है? पवन को। क्या है? पवन को। बहन, यह क्या है? कर्म। देखिए रमा खाना बना रही है। रमा खाना बना रही है, बनाना, यहाँ पर बना रही है, यह क्रिया मिल गई। और यहाँ इसका कर्म जो है वो खाना, क्या बना रही है? तो खाना। तो इसमें हमें कर्म मिलते हैं पुस्तक। इस वाक्य में हमें पुस्तक यह कर्म मिला, इसमें आम यह कर्म मिला, इसमें भवन भवन को यह कर्म मिला, और देखिए इसमें खाना यह कर्म मिलता है। तो ये इसमें कर्म होने के कारण इस सभी वाक्य जो है वो सकर्म क्रिया के उदाहरण है। इसमें देखिए इसमें पुस्तक यह कर्म है, इसमें आम यह कर्म है, इसमें बबल को यह कर्म है, और इसमें खाना यह कर्म है। तो ये सभी उदाहरण सकर्म क्रिया के उदाहरण है। अब हम क्रिया के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्म क्रिया। तो यहाँ पर देखिए उसकी परिभाषा, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्म क्रिया होती है। वाक्य में अगर कर्म नहीं दिख रहा है तो वह वाक्य कौन सा होता है? अकर्म क्रिया का वाक्य होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है, पक्षी उड़ गए। पक्षी उड़ गए, यहाँ पर उड़ना यह क्रिया है, उड़ गए यह क्रिया है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? पक्षी, और उड़ गए सीधा क्रिया से संपर्क होता है, कर्ता और क्रिया यहाँ पर है, इसलिए कर्म कहीं नजर नहीं आ रहा है। पक्षी उड़ गए, तो उड़ गए यह क्रिया है, तो कर्म नहीं नजर न आने के कारण यह कौन सा वाक्य हो सकता है? अकर्म क्रिया का वाक्य होगा। देखिए दूसरा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। कर्ता कौन है? बच्चे, और क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, दौड़ना यह क्रिया यहाँ पर है, तो यह भी इसमें भी कर्म कहीं नजर नहीं आ रहा है, और क्रिया सीधा क्रिया दिख रही है यहाँ पर, इसलिए यह अकर्म क्रिया का उदाहरण है। तीसरा देखिए वाक्य, मोहन चिल्लाता है। मोहन चिल्लाता है, तो यहाँ पर चिल्लाने की क्रिया है, चिल्लाना, चिल्लाता, चिल्लाना यह क्रिया है, तो यहाँ पर भी कर्म नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यह अकर्म क्रिया का उदाहरण है। प्रियंका रोती है, प्रियंका रोती है, यहाँ पर क्रिया है रोती है, रोना यह क्रिया है, और इसलिए यह अकर्म क्रिया का उदाहरण है। यह जो अकर्म क्रिया होती है वो बहुत ही सीधी होती है, इसलिए इसको पहचानना बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए, सकर्म क्रिया मतलब कर्म के साथ, और अकर्म क्रिया यानी कर्म के बिना, यह पहचानना आना चाहिए। देखिए इस वीडियो के द्वारा हमने आज देखा कि क्रिया की परिभाषा, उसके बाद क्रिया के भेद देखे, पहला है सकर्मक, उसकी परिभाषा देखी, अकर्मक क्रिया देखी, उसकी परिभाषा देखी, और उनके उदाहरण देखे। ये सभी उदाहरण और उनकी परिभाषाएं वो आपको नोटबुक में लिखना है और उनको पठन करना है। यहाँ पर हमारा जो क्रिया यह व्याकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।